रहे हैं, वेयर एज इंडिया को फोर्सेस उठा रहे हैं बाहर से भी अंदर से भी, सो इट्स राइजिंग और इसको टेयर अपाउट हो। बट लेकिन मेरा खलीफा साउथ एशिया में इंडिया है, राइट? सो डील विद इंडिया, आप इनसे बात करें, राइट? है कंपटीशन तो हम कर ही नहीं पा रहे। आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान को अंदर से जो है वो खींच रहे हैं, जबकि दुनिया उसको इंडिया को उठा रही है। सो दोनों की डायरेक्शन ही लेफ्ट। फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं। मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी कहूं करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है, भारत को भी देखें, रीजनल पावर बन रहा है। भारत जिस तरह न केवल अपने पड़ोसी देशों के बल्कि विश्व के अन्य देशों की मदद कर रहा है, भारत जिस तरह गरीब देशों की आवाज, चाहे वह G20 हो, G7 हो या फिर UNO का कोई मंच हो, भारत पुरजोर तरीके से उठा रहा है, उनकी आवाज बन रहा है। इस कारण अब यह पूरे विश्व में चर्चा होने लगी है कि भारत ही असल में खलीफा बनने का विश्व का या विश्व गुरु बनने का हकदार है। आगे की चर्चा सुनते हैं। वेयर एज इंडिया को फोर्सेस उठा रहे हैं बाहर से भी अंदर से भी, सो इट्स राइजिंग और इसको टेयर अपाउट हो रहा है। सो आई थिंक पाकिस्तान इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप बैटिंग भूल गए और आपको फिक्र लग रही कि अरे भाई उनके टीम के पास नए बैटे आ रहे हैं, नई टोपियां आ रहे हैं, नए जर्सी। दोज आर नॉट द रेलिवेंट पॉइंट। द पॉइंट इज के यू आर आउट ऑफ द गेम। एंड आई थिंक दैट इज रियलाइज। एंड जिस दिन पाकिस्तान रियलाइज करा कि इट कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, उस दिन उसकी तरक्की का पहला दिन। बहुत स्ट्रक्चरली कमजोर हो गया है पाकिस्तान, रिलेटिवली स्पीकिंग। इट्स नॉट ए कमजोरी की बात नहीं, इट्स लाइक सेइंग के बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म एक चीज है, बैट्समैन बैटिंग भूल गया वो और दूसरी चीज है, समझे ना आप। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन कैन कम बैक इन द फॉर्म, ही जस्ट नीड्स वन गुड इनिंग्स और वो आ जाएगा ना। तो पाकिस्तान स्ट्रक्चरली इतना कमजोर हो गया है। और देखिए, हर मुल्क के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर उसकी इकोनॉमी है जिससे हार्ड पावर आता है, बेसिकली हथियार वगैरह। तो उन मामलों में तो बहुत पीछे हो गया है पाकिस्तान। दिस इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इकोनॉमी को ले ले, वेपन्स को ले ले, टेक्नोलॉजी को ले ले, देयर इज एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। फिर भी वो कितने आगे चले गए। अभी G20 का आपने जिक्र किया, तो G20 उनके यहाँ हो रहा है और हम जो है वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आ रहे। नहीं, आपने होना भी नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं है। आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो। आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारी डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को, यकीन करें, मैं जिस तरह भी कहूं करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है, भारत को भी देखें, रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बाइलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकॉनमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है। मेरा मकसद है कि क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज को बात इस चीज की बात करते हैं, तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ ले के बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है, असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन है, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए अभी, हु आर रनिंग फॉर इंडियन अमेरिकन्स, हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी
इन द रिपब्लिकन पार्टी, अभी डीसेंटिस हैज नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड. तो और फिर देर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स. कैरेबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरेबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज. डोमिनेशन तो है, आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टैंजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में. सो यू कैनॉट इग्नोर साउथ एशियंस, साउथ एशियन इन्फ्लुएंस, साउथ एशियन डायस्पोरास. फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं. सर चाहे हिना अबानी खर हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जो कि भारत के नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही कोई बात करते हैं, तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे वो लोग हमारा ट्रस्ट करें. जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं. गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं भाई, वो कैश कराते हैं. तो ये हिना रबानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना, ये सारे मुल्क की मुफाद में तो नहीं है. 70% अब दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से. अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में, फिर नफरतों का क्या करेंगे आप. आप दवाइयां भारत से मंगा लें. आप सबसे, मैं अगले दिन हैरान था इस लार्ज नंबर के, भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है. बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं. तो दर हकीकत जब इसी तरह के फैसले किए जाते, दैट इज वाई यू कॉल्ड डिवेलपिंग कंट्री डिवेलपिंग. तभी वहां पे इस वक्त आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं. 9,000 कंटेनर कराची पोर्ट पर सड़ गया है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं. भारत जिस तरह लगातार गरीब देशों की, चाहे वैक्सीन हो, अनाज हो, दवाइयां हो या अन्य जरूरत की चीजों हो, मुहैया करा रहा है. और G20 की बैठक से पहले भारत ने जिन 120 देशों की बैठक बुलाकर उनसे सवाल किया कि आखिर आपकी समस्याएं क्या हैं वो बताएं, जो समस्याएं भारत द्वारा समाधान किया जा सकता है उसका भारत समाधान करेगा, और जिन समस्याओं का समाधान विश्व के अन्य देश करेंगे आप उनकी सूची दें, ताकि G20 की जो बैठक होने वाली है उसमें उसको रखा जाए. और भारत में 120 देशों का सम्मेलन हुआ जिसे ग्लोबल साउथ सम्मेलन कहा जाता है, और उस ग्लोबल साउथ के सम्मेलन से जो बातें सामने आई उसको भारत ने पुरजोर तरीके से G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और बाद में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में रखा. हालांकि दुनिया के जो धनी देश हैं जिनमें अधिकांशतः G20 के ही देश हैं, वे आपस में रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर लड़ते रहे, लेकिन भारत ने उन सबको दरकिनार करके कहा कि दुनिया में केवल रूस यूक्रेन का मसला ही एक मसला नहीं है, दुनिया में बहुत सारे जो बाकी बचे 20 के अलावे 180 देश हैं वे भी भुखमरी, दवाई, बिजली, लड़ाई के शिकार हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए. और इस बात को लेकर अब पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी है कि असल में भारत ही जो पहले विश्व गुरु था वही असल में विश्व का विश्व गुरु या खलीफा बनने का हकदार है. आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.